तो गाइज आपने जैसे कि देखा कि हमने पिछले व्लॉग में बहुत सारी पतंगे उड़ाई, गाने वगैरह बजाए, पतंगे काटी, हमारे भी बहुत कटी, डांस वगैरह किया, सब कुछ किया, मतलब फुल एंजॉय किया। तो ये व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है, तो इसे फुल एंजॉय करना और पूरा देखना, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुने। सो गाइस, मकर संक्रांति का आज दूसरा दिन है। हमारे गुजरात में दो दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति, तो आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी कल जैसा ही माहौल है, मतलब बढ़िया मजेदार, और देख सकते हो आप। कल एक प्रॉब्लम हो गया था कि माइक ठीक से बैठा नहीं था। आपने देखा ही होगा कि कुछ कुछ क्लिप्स में, पहले के व्लॉग में कुछ कुछ क्लिप्स में चर बोल रहा था, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा एडिट करके मतलब उन सारी चीज़ों को हटाया है। तो कोई ना, आपके लिए ऐसे ही व्लॉग लाते रहेंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हर्षिल और अनिल कुछ खाना लेने के लिए गए हैं और शिव गया है अपने मामा के घर और बल्लू जो है वो दोपहर के बाद आएगा। तो अभी मैं पूरी छत पर अकेला हूँ, ठीक है? और छत पर रुकना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी फिरकियाँ पड़ी हुई है, पतंगे बहुत सारी पड़ी हुई है और यहाँ पर स्पीकर वगैरह पड़े, इसलिए मैं रुका और उन लोगों को जाने के लिए बोला। ऐसा कुछ सीन है, देखो। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना। शाम का टाइम है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पर कितनी पतंग उड़ रही है, ठीक है? तो अभी मैं नीचे हूँ, छत पे जाके दिखाता हूँ। अभी मैं आपको छत पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है? मतलब बहुत सारी पतंग उड़ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग करते, अब मजा आएगा। तो अभी ब्लॉग करने में मजा आएगा क्योंकि काफी सारे दोस्त भी है और पतंग भी अच्छी खासी उड़ रही है और एक दूसरे की काट के जो चिल्ला रहे बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है? सबसे पहला सस्ता जय देवगन, सुनील सेठी। अरे जाना रे, काम करना अपना। हर बार की तरह आज भी किन्नी बांध रहा है, यहाँ पर गाने बज रहे हैं। कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं।
सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मे। तो गाइस बल्लू रेडी पतंग काटने के लिए, रेडी रेडी रेडी। कट गई गाइस, इसकी कट गई, खत्म, खलास, फिनिश। भाई अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा सा। कटी जा रही, आज क्या हो रहा है, कल तो मतलब बहुत पतंग काटी थी, पता नहीं। गाइस हम सबके हाथ मतलब बहुत ही गजब लेवल कर चुके हैं, आप अपने हाथ दिखाओ। ये टैपे लगाइए बहुत सारे, ये देखो खून भी निकल रहा है इधर से, क्या कर, हाथ खत्म है पूरा इसका, इसके लिए टैपे। बना ले पिया अपना, बना ले पिया अपना, बना ले मुझे अपना, बना ले पिया अपना, बना ले पिया। उड़ा रहा है तो हिंदी बोलो यार, गुजराती। अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। कैसे कुछ हुआ है, हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वाह, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दो पतंग लाल और एक पतंग के साथ दूसरी पतंग को इन्होंने मर्ज करके नीचे उतार रही है लोग। उसने एक अपनी पतंग, अपनी पतंग से दूसरी पतंग को लपेट लिया, ठीक है। मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे अपना, बना ले पिया अपना, बना ले पिया अपना, बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। वो कहते हैं ना कि बंदा तो वैसा चाहिए जो पत्थर से भी पानी निकाल दे, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है, हम अलग है, हम वैसे हैं जो पत्थर से भी पानी निकाल के उसी पानी को अमृत बना के पीने वालों में से है। शायद इसीलिए हमारे जीवन का एक छोटा सा किस्सा आपको वीडियो के रूप में दिखाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, हमारे में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे वीडियो में भले ही आपको दिखाया गया कि हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे करे और हमारी लाइफ सरल है, लेकिन स्ट्रेस, फैमिली का टेंशन, करियर का टेंशन, ऐसे बहुत सारे टेंशन हमारे पास भी है। हमारा भी कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन ये कोई सास बहू का सीरियल तो है नहीं जो टेंशन, मुसीबतें सब कुछ बताया जाए। खैर छोड़ो, ये तो एक हमारे जीवन का छोटा सा किस्सा था। एंजॉय किया कि नहीं, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमारा रात वाला नागिन डांस भी तो देखना है, तो देखो। Nagin, 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 n
मैं ना